ओम नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जय मुदीरित। संक्षिप्त ब्रह्मवैवर्त प्राण श्री कृष्ण जन्म खंड 25वां अध्याय। महर्षि औरव द्वारा दुर्वासा को शाप। दुर्वासा का अम्बरीश के यहाँ द्वादशी के दिन पारणा के समय पहुँचकर भोजन मांगना। वशिष्ठ जी की आज्ञा से अम्बरीश का पारणा की पूर्ति के लिए भगवान का चरणोदक पीना। दुर्वासा का राजा को मारने के लिए कृत्या पुरुष उत्पन्न करना। सुदर्शन चक्र का कृत्या को मारकर मुनि का पीछा करना। मुनि का कहीं भी आश्रय न पाकर वैकुंठ में जाना। वहाँ से भगवान की आज्ञा के अनुसार अम्बरीश के घर आकर भोजन करना तथा आशीर्वाद देकर अपने आश्रम को जाना। नारद जी के पूछने पर भगवान श्री नारायण ने कहा, मुनि महर्षि और सरस्वती नदी के तट पर तपस्या कर रहे थे। उन्हें ध्यान से अपनी पुत्री के मरण का वृत्तांत ज्ञात हो गया। तब वे शोकाकुल होकर दुर्वासा के पास आए। दुर्वासा ने श्वशुर को प्रणाम करके सब बातें बताईं और उस घटित घटना के लिए महान दुख प्रकट किया। मुनिवर और उन्हें दुर्वासा को उल्हाना दिया और कहा, तुमने बहुत थोड़े अपराध पर उसको भारी दंड दे दिया। यदि उसे भस्म न करके त्याग ही दिया होता तो वह मेरे ही पास रह जाती। फिर रोष से भरकर शाप दे दिया कि तुम्हारा पराभव होगा। इतना कहकर मुनि और लौट गए। यह कथा सुनकर नारद जी ने दुर्वासा के पराभव का इतिहास पूछा। नारद बोले, भगवान दुर्वासा साक्षात भगवान शंकर के अंश हैं तथा तेज में भी उन्हीं के समान हैं। फिर कौन ऐसा महातेजस्वी पुरुष था जिसने उनका भी पराभव कर दिया? भगवान श्री नारायण ने कहा, मुनि सूर्यवंश में अम्बरीश नाम से प्रसिद्ध एक राजाधिराज सम्राट हो गए हैं। उनका मन सदा श्री कृष्ण के चरण कमलों के चिंतन में ही लगा रहता था। राज्य में, रानियों में, पुत्रों में, प्रजाओं में तथा पुण्य कर्मों द्वारा अर्जित की हुई संपत्तियों में भी उनका चित्त क्षणभर के लिए भी नहीं लगता था। वे धर्मात्मा नरेश दिन रात सोते जागते हर समय प्रसन्नतापूर्वक श्री हरि का ध्यान किया करते थे। राजा अम्बरीश बड़े भारी जितेंद्रिय शांत स्वरूप तथा विष्णु संबंधी व्रतों के पालन में तत्पर रहते थे। वे एकादशी का व्रत रखते और श्री कृष्ण की आराधना में संलग्न रहते थे। उनके सारे कर्म श्री कृष्ण को समर्पित थे और वे उनमें कभी लिप्त नहीं होते थे। भगवान का 16 अरों से युक्त और अत्यंत तीक्ष्ण जो सुदर्शन नामक चक्र है, वह करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान तथा श्रीहरि के ही तुल्य तेजस्वी है। ब्रह्मा आदि भी उसकी स्तुति करते हैं। वह अस्त्र देवताओं तथा असुरों से भी पूजित है। भगवान ने अपने उस चक्र को राजा की निरंतर रक्षा के लिए उनके पास ही रख दिया था। एक समय की बात है, राजा अम्बरीश एकादशी व्रत का अनुष्ठान करके द्वादशी के दिन समय अनुसार विधि पूर्वक स्नान और पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन करा, स्वयं भी भोजन के लिए बैठे। इसी समय तपस्वी ब्राह्मण दुर्वासा भूख से व्याकुल हो वहां राजा के समक्ष आ गए। उन्होंने दंड और छत्र ले रखा था। उनके शरीर पर श्वेत वस्त्र शोभा पा रहे थे। ललाट में उज्ज्वल तिलक चमक रहा था। सिर पर जटाएं थीं और शरीर अत्यंत कृश हो रहा था। वे त्रस्त से जान पड़ते थे। उनके कंठ, ओठ और ताल सूख गए थे। मुनींद्र पर दृष्टि पड़ते ही राजा ने उठकर उन्हें प्रणाम किया और प्रसन्नतापूर्वक पैर धोने के लिए जल प्रस्तुत करके बैठने को स्वर्ण का सिंहासन दिया। विप्रवर दुर्वासा उन्हें आशीर्वाद देकर उस सुखद आसन पर बैठे। तब राजा ने भयभीत होकर उनसे पूछा, मुने मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है, यह मुझे बताइए। राजा की बात सुनकर मुनिवर दुर्वासा ने कहा, नृपश्रेष्ठ मैं भूख से पीड़ित होकर यहाँ आया हूँ, अतः मुझे भोजन कराओ। परंतु मैं अघमर्षण मंत्र का जप करके शीघ्र ही आ रहा हूँ, क्षण भर प्रतीक्षा करो। ऐसा कहकर मुनि चले गए। ब्राह्मण दुर्वासा के चले जाने पर राजऋषि अम्बरीश को बड़ी भारी चिंता हुई।
द्वादशी तिथि प्राय बीत चली है, यह देख हुए डर गई। इसी समय गुरु वशिष्ठ वहां आ गए। तब प्रसन्नता पूर्वक उन्हें नमस्कार करके राजा ने सारी बातें उन्हें बताईं और पूछा, गुरुदेव, मुनिवर दुर्वासा अभी तक आ नहीं रहे हैं और पारणा के लिए विहित द्वादशी तिथि बीती जा रही है, ऐसे संकट के समय मुझे क्या करना चाहिए? इस पर भली भांति विचार करके मुझे शीघ्र बताइए कि क्या करना शुभ है और क्या अशुभ है। वशिष्ठ जी ने कहा, द्वादशी को बिताकर त्रयोदशी में पारण करना पाप है और अतिथि से पहले भोजन कर लेना भी पाप है। ऐसी दशा में तुम भोजन न करके भगवान का चरणोदक ले लो, इससे पारणा भी हो जाएगी और अतिथि की अवहेलना भी नहीं होगी। महामुने ऐसा कहकर ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ जी चुप हो गए। राजा ने श्री कृष्ण चरणारविंदों का चिंतन करते हुए थोड़ा सा चरणोदक पी लिया। ब्राह्मण इतने में ही मुनीश्वर दुर्वासा आ पहुँचे। वे सर्वज्ञ तो थे ही, अपना अपमान समझकर कुपित हो उठे। उन्होंने राजा के सामने ही अपनी एक जटा तोड़ डाली। उस जटा से शीघ्र ही एक पुरुष प्रकट हुआ जो अग्निशिखा के समान तेजस्वी था। उसके हाथ में तलवार थी। वह महाभयंकर पुरुष महाराज अम्बरीश को मार डालने के लिए उद्यत हो गया। यह देख करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान श्री हरि के सुदर्शन चक्र ने उस कृत्या पुरुष को काट डाला। अब वह बाबा दुर्वासा को भी काटने के लिए उद्यत हुआ। यह देख विप्रवर दुर्वासा भय से व्याकुल हो भाग चले। उन्होंने अपने पीछे पीछे प्रज्वलित अग्निशिखा के समान तेजस्वी चक्र को आते देखा। वे अत्यंत व्याकुल हो सारे ब्रह्मांड का चक्कर लगाते लगाते थक गए, खिन्न हो गए और ब्रह्मा जी को संपूर्ण जगत का रक्षक मान उनकी शरण में गए। बचाइए बचाइए पुकारते हुए उन्होंने ब्रह्मा जी की सभा में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी ने उठकर विप्रवर दुर्वासा का कुशल मंगल पूछा। तब उन्होंने आद से ही सारा वृत्तांत विस्तार पूर्वक कह सुनाया। सुनकर ब्रह्मा जी ने लंबी सांस ली और भय से व्याकुल होकर कहा। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम किसके बल पर श्री हरि के दास को शाप देने गए थे? जिसके रक्षक भगवान हैं उसको तीनों लोकों में कौन मार सकता है? भक्तवत्सल श्री हरि ने छोटे बड़े सभी भक्तों की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र को सदा नियुक्त कर रखा है। जो मूढ़ श्री विष्णु के लिए प्राणों के समान प्रिय वैष्णव भक्त से द्वेष रखता है उसका संहार भगवान विष्णु स्वयं करते हैं। वे श्रीहरि संहारकर्ता का भी संहार करने में समर्थ हैं। अतः बेटा, तुम शीघ्र किसी दूसरे स्थान में जाओ, अब यहाँ तुम्हारी रक्षा नहीं हो सकती। यदि नहीं हटे तो सुदर्शन चक्र मेरे साथ ही तुम्हारा वध कर डालेगा। ब्रह्मा जी की बात सुनकर ब्राह्मण देवता दुर्वासा वहां से भयभीत होकर भागे। अब वे डरकर कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर की शरण में गए और बोले, कृपा निधान, हमारी रक्षा कीजिए। भगवान शिव सर्वज्ञ हैं, उन्होंने ब्राह्मण दुर्वासा का कुशल समाचार तक नहीं पूछा। जो क्षण भर में जगत का संहार करने में समर्थ तथा दीन दुखियों के स्वामी हैं, वे महादेव जी मुनिसे बोले। शंकर जी ने कहा, द्विजश्रेष्ठ, सुस्थिर होकर मेरी बात सुनो। मुने, तुम महर्षि अत्रि के पुत्र तथा जगत श्रेष्ठा ब्रह्मा के पौत्र हो, वेदों के विद्वान तथा सर्वज्ञ हो, परंतु तुम्हारा कर्म मूर्खों के समान है। वेदों, पुराणों और इतिहासों में सर्वत्र जिन सर्वेश्वर का निरूपण हुआ है उन्हीं को तुम मूढ़ मनुष्य की भांति नहीं जानते हो। जिनके भ्रूभंग की लीला मात्र से मैं ब्रह्मा, रुद्र, आदित्य, वसु, धर्म, इंद्र, संपूर्ण देवता, मुनीन्द्र और मनु उत्पन्न और विलीन होते रहते हैं, उन्हीं श्रीहरि के प्राणों से भी बढ़कर प्रिय भक्त को तुम किसकी शक्ति से मारने चले थे? उनका चक्र उन्हीं के तुल्य तेजस्वी है, उसे रोकना सर्वथा कठिन है। उस चक्र को यद्यपि उन्होंने भक्तों की रक्षा में लगा रखा है तथापि उन्हें उस पर पूरा भरोसा नहीं होता, इसलिए वे स्वयं उनकी रक्षा करने के लिए जाते हैं। उनके मुँह से अपने गुणों और नामों का श्रवण करके उन्हें बड़ा आनंद मिलता है, इसलिए भगवान भक्त के साथ सदा छाया की तरह घूमते रहते हैं। अतः ब्राह्मण देव, गोविंद का भजन करो, उनके चरण कमलों का चिंतन करो। श्रीहरि के स्मरण मात्र से भी सारी आपत्तियां नष्ट हो जाती हैं। अब शीघ्र ही वैकुंठ धाम में जाओ।
उस धाम के अधिपति श्री हरि ही तुम्हारे शरणदाता हैं। वे प्रभु दया के सागर हैं, अतः तुम्हें अवश्य ही अभयदान देंगे। ये बातें हो ही रही थीं कि सारा कैलाश चक्र के तेज से व्याप्त हो उठा, जैसे समस्त भूमंडल सूर्य की किरणों से उद्दीप्त हो उठा हो। उस समय संपूर्ण कैलाशवासी उस चक्र की विकराल ज्वाला से संतप्त हो त्राहे त्राहे पुकारते हुए भगवान शंकर की शरण में गए। उस दुसह चक्र को देख पार्वती सहित करणानिधान भगवान शंकर ने ब्राह्मण को प्रेम पूर्वक आशीर्वाद देते हुए कहा, यदि तेज सत्य है और चिरकाल से संचित तप सत्य है तो अपराध करके भयभीत हुआ यह ब्राह्मण संताप से मुक्त हो जाए। पार्वती बोली, यह ब्राह्मण मेरे स्वामी के पुण्य कर्मों के अवसर पर शरण में आया है, अतः मेरे आशीर्वाद से इसका महान भय दूर हो जाए और यह शीघ्र ही संताप से छूट जाए। कृपा पूर्वक ऐसा कहकर पार्वती और शिव चुप हो गए। मुनि ने उन्हें प्रणाम करके देवेश्वर वैकुंठनाथ की शरण ली। मन के समान तीव्र गति से चलने वाले मुनीश्वर दुर्वासा वैकुंठ भवन में जाकर सुदर्शन को अपने पीछे पीछे आते देख श्री हरि के अंतःपुर में घुस गए। वहां ब्राह्मण ने श्री नारायण देव के दर्शन किए। वे रत्नमय सिंहासन पर विराजमान थे। उनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म शोभा पाते थे। उन परम प्रभु ने पीताम्बर धारण कर रखा था। उनके चार भुजाएं थीं, अंग कांति श्याम थी। वे शांत स्वरूप लक्ष्मीकांत अपने दिव्य सौंदर्य से मन को मोह लेते थे। रत्नमय अलंकारों की शोभा उन्हें और भी श्री संपन्न बना रही थी। गले में रत्नमयी माला से वे विभूषित थे। उनके प्रसन्न मुख पर मंद हास्य की छटा छा रही थी। वे सभी भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए कातर दिखाई देती थी। उत्तम रत्नों के सार तत्व से निर्मित मुकुट धारण करके उनका मस्तक अनुपम ज्योति से जगमगा रहा था। श्रेष्ठ पार्षदगण हाथों में श्वेत चमर लिए प्रभु की सेवा कर रहे थे। कमला उनके चरण कमलों की सेवा में लगी थी। सरस्वती सामने खड़ी हो स्तुति करती थी। सुनंद नंद कुमुद और प्रचंड आदि पार्षद उन्हें घेर कर खड़े थे। ऐसे प्रभु को देख दुर्वासा ने दंड की भांति पृथ्वी पर पड़कर प्रणाम किया और सामवेद वर्णित स्तुति के द्वारा उन परमेश्वर का स्तवन किया। दुर्वासा बोले, कमलाकांत मेरी रक्षा कीजिए, करुणानिधि मुझे बचाइए। प्रभु आप दीनों के बंधु और अत्यंत दुखियों के स्वामी हैं, दया के सागर हैं, वेद वेदांगों के सृष्टा विधाता के भी विधाता हैं, मृत्यु की भी मृत्यु और काल के भी काल हैं। मैं संकट के समुद्र में पड़ा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए। आप संहारकर्ता के भी संहारक सर्वेश्वर और सर्व कारण हैं, महाविष्णु रूपी वृक्ष के बीज हैं। प्रभो इस भवसागर से मेरी रक्षा कीजिए। शरणागत एवं शोकाकुल जनों का भय दूर करके उनकी रक्षा में लगे रहने वाले भगवान मुझ भयभीत का उद्धार कीजिए। नारायण आपको नमस्कार है। वेदों में जिन्हें आदि सत्ता कहा गया है, वेद भी जिनकी स्तुति नहीं कर सकते और सरस्वती भी जिनके स्तवन में जड़वत हो जाती हैं, उन्हीं प्रभु की दूसरे विद्वान क्या स्तुति कर सकते हैं। शेष सहस्त्र मुखों से जिनकी स्तुति करने में जड़ भाव को प्राप्त होते हैं, पंचमुख महादेव और चतुर्मुख ब्रह्मा भी जड़ीभूत हो जाते हैं। श्रुतियाँ स्मृतिकार और वाणी भी जिनकी स्तुति में अपने को असमर्थ पाती हैं, उन्हीं का स्तवन मुझ जैसा ब्राह्मण कैसे कर सकता है। मानद मैं वेदों का ज्ञाता क्या हूँ, वेद वेत्ता विद्वानों का शिष्य हूँ, मुझमें आपकी स्तुति करने की क्या योग्यता है। 28वें मनु और महेंद्र के समाप्त हो जाने पर जिनका एक दिन रात का समय पूरा होता है, वे विधाता अपने वश से 108 वर्ष तक जीवित रहते हैं, परंतु जब उनका भी पतन होता है तब आपके नेत्रों की एक पलक गिरती है। ऐसे अनिर्वचनीय परमेश्वर की मैं क्या स्तुति कर सकूँगा, प्रभो मेरी रक्षा कीजिए। इस प्रकार स्तुति करके भय से विह्वल हुए दुर्वासा श्री हरि के चरण कमलों में गिर पड़े और अपने अश्रुजल से उन्हें सींचने लगे। दुर्वासा द्वारा किए गए परमात्मा श्री हरि के इस सामवेदोक्त जगन्मंगल नामक पुण्यदायक स्तोत्र का जो संकट में पड़ा मनुष्य भक्तिभाव से पाठ करता है, नारायण देव कृपया शीघ्र आकर उसकी रक्षा करते हैं।
भगवान नारायण कहते हैं, नारद मुनि की हुई स्तुति सुनकर भक्तवत्सल भगवान वैकुंठनाथ हंसकर अमृत की वर्षासी करती हुई मधुर वाणी में बोले, श्री भगवान ने कहा, मुने उठो उठो, मेरे वर से तुम्हारा कल्याण होगा, परंतु मेरा नित्य सत्य एवं सुखदायक वचन सुनो। ब्राह्मण देव वेदों पुराणों और इतिहासों में वैष्णवों की जो महिमा गाई गई है उसे सबने और सर्वत्र सुना है। मैं वैष्णवों के प्राण हूँ और वैष्णव मेरे प्राण हैं। जो मूढ़ उन्हीं से द्वेष करता है वह मेरे प्राणों का हिंसक है। जो अपने पुत्रों पौत्रों और पत्नियों तथा राज्य और लक्ष्मी को भी त्याग कर सदा मेरा ही ध्यान करते हैं उनसे बढ़कर मेरा प्रिय और कौन हो सकता है। भक्त से बढ़कर न मेरे प्राण हैं, न लक्ष्मी हैं, न शिव हैं, न सरस्वती हैं, न ब्रह्मा हैं, न पार्वती हैं और न गणेश ही हैं। ब्राह्मण वेद और वेद माता सरस्वती भी मेरी दृष्टि में भक्तों से बढ़कर नहीं हैं। इस प्रकार मैंने सब सच्ची बात कही है, यह वास्तविक सार तत्व है। मैंने भक्तों की प्रशंसा के लिए कोई बात बढ़ा चढ़ा कर नहीं कही है। वे वास्तव में मुझे मेरे प्राणों से भी अधिक प्रिय हैं। जो मेरे प्राणाधिक प्रिय भक्तों से द्वेष करते हैं उनको मैं शीघ्र ही दंड देता हूँ और परलोक में भी चिरकाल तक उन्हें नरक यातना भोगनी पड़ती है। मैं सबकी उत्पत्ति का कारण तथा सबका ईश्वर और परिपालक हूँ, सर्वव्यापी एवं स्वतंत्र हूँ तथा दिन रात भक्तों के अधीन रहता हूँ। गोलोक में मेरा द्विभुज रूप है और वैकुंठ में चतुर्भुज। यह रूप मात्र ही उन उन लोकों में रहता है, किंतु मेरे प्राण तो सदा भक्तों के समीप ही रहते हैं। भक्त का दिया हुआ अन्न साधारण हो तो भी मेरे लिए सादर भक्षण करने योग्य है, परंतु अभक्त का दिया हुआ अमृत के समान मधुर द्रव्य भी मेरे लिए अभक्ष्य है। ब्राह्मण राजाओं में श्रेष्ठ अम्बरीश निरीह हैं, सब प्रकार की इच्छाएं छोड़ चुके हैं, कभी किसी की हिंसा नहीं करते हैं, स्वभाव से दयालु हैं और समस्त प्राणियों के हित में लगे रहते हैं। ऐसे महात्मा पुरुष का वध तुम क्यों करना चाहते हो? जो संत महापुरुष सदा समस्त प्राणियों पर दया करते हैं उनसे द्वेष रखने वाले मूढ़ जनों का वध मैं स्वयं करता हूँ। जो भक्तों का हिंसक है शत्रु है उसकी रक्षा करने में मैं असमर्थ हूँ। अतः तुम अम्बरीश के घर जाओ, वे ही तुम्हारी रक्षा कर सकते हैं। भगवान नारायण कहते हैं, नारद भगवान श्रीहरि का वह वचन सुनकर ब्राह्मण दुर्वासा भय से व्याकुल हो गए। उनके मन में बड़ा खेद हुआ और वे श्री कृष्ण चरणारविंदों का चिंतन करते हुए वहीं खड़े रहे। इसी समय वहां ब्रह्मा शिव पार्वती धर्म इंद्र रुद्र दिक्पाल ग्रह मुनिगण अत्रे लक्ष्मी सरस्वती पार्षद तथा नर्तक गण आए और सबने दुर्वासा के अपराध को क्षमा करके उनकी रक्षा करने के लिए भगवान विष्णु से करुण प्रार्थना की। तब श्री भगवान बोले, आप सब लोग मेरा नीतियुक्त और सुखदायक वचन सुनो। मैं आपकी आज्ञा से ब्राह्मण की रक्षा अवश्य करूंगा, किंतु ये मुनि वैकुंठ लोक से पुनः राजा अम्बरीश के घर जाएं और उनकी प्रसन्नता के लिए वहीं पारणा करें। ये ब्रह्मऋषि अम्बरीश के अतिथि होकर भी बिना किसी अपराध के उन्हें शाप देने को उद्यत हो गए, इसलिए अपने रक्षणी राजा की रक्षा के लिए सुदर्शन चक्र इन ब्राह्मण देवता को ही मार डालने के लिए उद्यत हो गया। इन्हें भयभीत होकर भागते हुए आज पूरा एक वर्ष हो गया। तभी से इनके लिए शोकग्रस्त हुए राजा अम्बरीश अपनी पत्नी सहित उपवास कर रहे हैं। भक्त के उपवास करने के कारण मैं भी उपवास करता हूँ। जैसे माता दूध पीते बच्चे को उपवास करते देख स्वयं भी भोजन नहीं करती, वही दशा मेरी है। मेरे आशीर्वाद से मुनिश्रेष्ठ दुर्वासा शीघ्र ही संताप मुक्त हो जाएंगे। मार्ग में मेरा चक्र इनकी हिंसा नहीं करेगा। इनके भोजन करने से मेरा भक्त भोजन करेगा और तभी मैं भी आज निश्चिंत होकर सुख से भोजन करूंगा। यह निश्चित बात है। भक्त के द्वारा प्रीतिपूर्वक जो वस्तु मुझे दी जाती है उसे मैं अमृत के समान मधुर मानकर ग्रहण करता हूँ। लक्ष्मी के हाथ से परोसे गए पदार्थ को भी भक्त के दिए बिना मैं नहीं खा सकता। जिस पदार्थ को भक्त ने नहीं दिया वह मुझे तृप्त नहीं दे सकता। वत्स महाप्राज्ञ मुनीन्द्र,
तुम राजा अम्बरीश के घर जाओ तथा ये सब देवता देवियां और मुनि अपने अपने घर को पधारें। ऐसा कहकर श्री हरि तुरंत ही अपने अंतःपुर में चले गए तथा अन्य सब लोग उन जगदीश्वर को प्रणाम करके प्रसन्नतापूर्वक अपने अपने स्थान को लौट गए। मन के समान तीव्र गति से चलने वाले ब्राह्मण दुर्वासा राजा अम्बरीश के घर को गए, साथ ही करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सुदर्शन चक्र भी गया। एक वर्ष तक उपवास करने के बाद राजा के कंठ ओठ और तालु सूख गए थे। वे सिंहासन पर बैठे हुए थे। उसी समय उन्होंने मुनिवर दुर्वासा को सामने देखा। देखते ही वे बड़े वेग से उठे और तत्काल उनके चरणों में प्रणाम करके सादर भोजन के लिए ले गए। राजा ने मुनि को स्वादिष्ट अन्न भोजन कराकर फिर स्वयं भी अन्न ग्रहण किया। भोजन करके संतुष्ट हुए द्विज श्रेष्ठ दुर्वासा ने उन्हें उत्तम आशीर्वाद दिया, बारंबार उनकी प्रशंसा की। तदनंतर उन्होंने शीघ्र ही अपने आश्रम को प्रस्थान किया। मार्ग में वे विप्रवर आश्चर्यचकित होकर मन ही मन कहने लगे, अहो वैष्णवों का महात्म्य दुर्लभ है। संक्षिप्त ब्रह्म वैवर्त पुराण श्री कृष्ण जन्म खंड 25वां अध्याय संपूर्ण। जय राधा माधव।